एडमिनिस्ट्रेशन, एसी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी तुम्हें काम करो, खुशी करो, डीसी तुम्हें काम करो, खुशी करो, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई महकमा, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट। मेरा नाम ज्योति है, मैं पंचायत खैरल की पंचू, वार्ड नंबर 4 की पंचू। हमें झूठे आश्वासन 7 सालों से दिए जा रहे हैं कि क्योंकि एक दिन हमारा पानी चलेगा, 20 दिन हमारा पानी बंद रहेगा। हर बार हम चुप करके डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि हमारा पानी बंद होगा। कोई बात नहीं, हम आपका पानी चला देंगे। 2 दिन वेट करते, 3 दिन वेट करते, 4 दिन वेट करते हैं, 20 दिन हुए हमारा पानी नहीं चला है। आज हम पानी क्या, हमारे जितने हेड पंप हैं पूरी पंचायत के हेड पंप भी बंद और हमारा पानी भी बंद ना। हमारी एक मोटर है, हमने डीसी मैम को भी दी ये लिख के एप्लीकेशन वगैरह, उनको ऐसे हम उनके साथ मिले भी, मैम को बताया कि हमें मोटरें दीजिए ताकि हमारी एक मोटर जब खराब होती है और दूसरी स्टैंड बाई होनी चाहिए, लोगों को सफर ना करना पड़े, लोगों को पानी मिलना चाहिए। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। डीसी मैम ने बोला कि हाँ हम करते हैं, आपका हल करते हैं, लेकिन करते करते आज हमारा 20 दिन का पानी बंद हुआ था। मैं उनको बता बता के मैं भी थक गई हूँ। लास्ट आज हमारे गांव के लोग कल के परेशान थे, ये हमारे घर के बाहर बैठ गए कि जितने आप पंच सरपंच हमारे चुने हुए हैं, आप बाहर निकलो, आप क्यों नहीं हमारी बात आगे तक पहुँचाते हो। हम भी उसी के बीच हैं, ये भी लोग सच बोल रहे हैं, इन्होंने हमें चुना है, लेकिन हमारा पानी भी वो ही है, हमारे घर में भी नहीं पानी आ रहा है। और मजबूर होकर जो हमारा पुराना पानी था, हमने ये डिसाइड किया कि हम 2-3 घंटे लगाएंगे, हमारा वाटर टैंक भरा जाएगा ताकि 20 दिन का जो लोग सबर कर रहे हैं उनको 10 गांव में पानी हम सप्लाई सुबह देंगे। खाली हमने 15 मिनट रात को पानी लगाया और चेयरमैन साहब जी ने 15-20 मिनट के बाद अपना अपने डिपार्टमेंट के बंदों को फोन किया और प्रेशर के साथ कि ये पानी बंद करो, हमारा पानी नहीं मिलेगा इनको, हम पानी नहीं देंगे। मैं एक बात आपके माध्यम को कहना चाहती हूँ और डीसी मैम को आप बताना चाहती हूँ, देखो हमने किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, अगर हमारा 20 दिन का पानी बंद था तो इन्होंने भी हमारे साथ आके बात करनी थी, खुद आगे आके हमारा पानी लगाना था कि आप सब्र कर रहे हो, हमारा पानी लगा दो, कल हम उधर शिफ्ट कर देंगे जब आपका चलेगा। लेकिन इन्होंने रात को पूरी डिपार्टमेंट पूरा रातों रात उधर वाटर टैंक के पास चढ़ाए और सारा जितना हमारा पानी चल रहा था वो दोबारा तोड़ फोड़ की और हमारा पानी बंद कर दिया। अगर हम 20 दिन के डिपार्टमेंट को बोल रहे थे, कोई डिपार्टमेंट का बंदा हमारे पास नहीं पहुंचा। अभी भी आप नज़र मारो, सुबह से और रात थी तो सारा डिपार्टमेंट पहुँच गया। अब हम सुबह से बाल बच्चे लेडीज जेंट्स सारे इकट्ठे हैं, कोई डिपार्टमेंट का बंदा इतनी दूर में हम खड़े हैं, कोई नहीं पहुँचा। आप इससे ही आप जान लो कि ये चेयरमैन का साफ सुथरा ये मन है कि इन लोगों को पानी नहीं देना है। और हम ये आज कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमने रिक्वेस्ट की, हमारे हर पंप भी खराब हैं, हमारा पानी नलके भी बंद हैं और आज हम ये अपना ग्रेविटी वाला पुराना पानी लेंगे और जो पंपिंग वाला पानी है हम हाथ जोड़ के चेयरमैन जी साहब को दे देंगे, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ग्रेविटी वाला पानी। सर, मेरा नाम विक्रांत डोगरा है और मैं ख्याल पंचायत वार्ड नंबर 9 से रहने वाला हूँ। ये बात सिर्फ एक वार्ड की नहीं है, ये पूरी यहाँ के इलाके जो आधी से ज़्यादा पंचायत है वो इस चीज़ से जूझ रही है। 15 साल से हम ये चीज़ भुगत रहे हैं, कई बार रोड बंद किया और कई बार ये न्यूज़ भी आई है बाहर। तो कहने का मतलब ये है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो उनके पास हमको बताने के लिए कुछ नहीं है, वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कल की तारीख में हमने क्या किया कि जो हमारी ग्रेविटी है यहाँ से, जो दूसरी पंचायत यहाँ से जो कई किलोमीटर दूर है वहाँ पानी जा रहा है, हम अपनी पंचायत वाले बिना पानी के प्यासे रह रहे हैं और यहाँ का पानी कहीं और प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम इसके लिए हमने कहा कि हमें रात के लिए वो पानी दिया जाए। तो हमने जो अपने आला जो हमारे जो मौजूद बंदे थे उनके साथ हमने मिलकर पंच सरपंच सारे जो मौजूद बंदे थे मिलकर सारे हमने एक पाइप कनेक्ट की। रात को 2 बजे आते हैं, हमें पता नहीं वो चोर डाकू कौन थे जिन्होंने वो आके पाइपें खोली और हम पुलिस के पास जाके हम कंप्लेंट भी करेंगे, हमारी 2 पाइपें भी चोरी हुई हैं, हम वो भी कंप्लेंट करेंगे, हम वो भी बताएंगे कि रात को 2 बजे कौन सा तरीका था किसी का आने का जो यहाँ आए और पाइप खोल दी। हमने किसी की पाइप को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तो आप पीएचई डिपार्टमेंट से पूछ भी सकते हैं, हमने किसी की पाइप को नहीं छेड़ा है, हमने सिर्फ अपनी पाइप कनेक्ट की थी। और आज का ये मौका आया कि हम पूरी विलेज के पूरी यहाँ आवाम ये बार बार कह कह के थक गए, रिक्वेस्ट करके थक गया, अब हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट मेरी यही बात है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाहता हूँ, हम अपनी ग्रेविटी लेके रहेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे और हम लास्ट
मैं एलजी साहब को चिट्ठी लूंगा, हम ग्रेविटी का पानी किसी को नहीं देंगे। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, मैं पट्टा से है, पंचायत खैरल से, और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये पानी की प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम यहाँ पे जूझ रहे हैं सुबह से, और पानी की सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद दूसरा मतलब कि ये जो पाइपें शाइपें हमारी आज रात की निकली हैं, चोरी हुई हैं, जैसे भी जो भी कि हमारे चेयरमैन साहब ने किया, ऐसा करना नहीं था चाहिए, इन्होंने किया, पर ये बहुत गलत है। और ये चेयरमैन एक हमारा नहीं था, ये पूरी मतलब पूरे ब्लॉक पर चेयरमैन है, और हम अपने पंचों सरपंचों पर बात रखते हैं कि वो नहीं कर रहे जी, वो ऐसा कर रहे, लेकिन यहाँ पे हमने आज देखा मैडम के हिसाब से कि ये हालात है। और सब उसके बाद हमारे जो पंप हैं यहाँ पे पट्टा में, दो पंप है हमारे पट्टा में, एक मिंदर की दुकान के बाहर पंप है, एक एक नाले में पंप है, और वो दो पंप जो है ख़राब है। उन पंपों पे कम से कम 4-4 किलोमीटर दूर से लोग पानी लेने आते गर्मियों के दिनों में, इतना अच्छा पानी, इतना मतलब अच्छा पानी था। उस पानी उस पंप को ख़राब हुए 2 साल 1 साल हो गया, एक पंप को ख़राब हुए 1-6 महीने हो गए, और 6 महीने और 1 साल एक हो गया, अभी वो पंप नहीं लगे। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की, और आम आपकी माध्यम से कहना चाहते हैं, ये डीसी मैम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए हम बहुत मतलब गुजारिश करते हैं कि ये हमारे पंप जो दो पंप हैं, ये पंपों की मरम्मत कराई जाए, और इन पंपों की मरम्मत करवाने के बाद ये पंप ठीक होने चाहिए, क्योंकि मोहल्ले के अंदर वो पंप है। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि पानी की समस्या के, वो पंप जो मोहल्ले के अंदर कम से कम 300-400 घर का पंप है, वो दो पंप है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी पंपों की है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। 1 महीना हो गया पानी हमारा नहीं आया हमारे गांव में, अगर ये चेयरमैन आज हमारी पैपें ले गया, अगर ये कल किसी और को भी ले जाएगा, ये कल ये गांव में क्या छोड़ेगा। अगर ये चेयरमैन बनाया तो ये इसलिए थोड़ा बनाया था, लोगों को पानी नहीं दे सका, ये किसी को क्या देगा।